देख रहे हैं लाइव आज। हर बिजनौर के ग्राम टांडा माई दास में पटाखे पटकाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, एक की मौत। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र के गांव टांडा माई दास में किसी बात को लेकर रूपचंद सिंह और रेणु दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और खूनी रंजिश में तब्दील हो गया, जहां पर एक युवक रूपचंद के सर पर डंडा लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस चौकी टांडा माई दास में शव को रखकर किया हंगामा, जहां मौके पर एसपी ग्रामीण राम अर्ज, नगीना सीओ सुमित शुक्ला व थानाध्यक्ष संजय कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल गांव टांडा माई दास पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि थाना नगीना देहात क्षेत्र में पटाखे पटकाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में लाठी डंडे चल गए, जिसमें एक युवक रूपचंद के सिर में ठंडा लगने से उसकी मौत हो गई। शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और दो आरोपी अनु और रेणु को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधि कार्रवाई कराई जा रही है। आज न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर से रिपोर्टर डॉक्टर खिजर जावेद खान की खास रिपोर्ट। सर, ग्राम टांडा मायदास में जो ये आज विवाद हुआ है, ये क्या है पूरा मामला जिसमें एक मौके पर मृत्यु हो गई? लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है शायद जो है, और आपस में इसी बात को लेकर के इनमें विवाद हुआ, मारपीट हुई, और जिसमें एक व्यक्ति की जो है चोट लगने से मृत्यु हो गई। और इसमें इनके परिजनों द्वारा जो है तहरीर अभी दी जा रही है, तहरीर प्राप्त होगी, उसके हिसाब से इसमें मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शव को वहाँ से ला करके पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।